नाम भैया, भैया मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। भैया ये मेरा एक न्यू चैनल है, ये ब्लॉग चैनल है, इस पर मैं आपको नई नई वीडियो दिखाता रहूँगा। तो भैया इस मैं आपको कुछ अपने बारे में कुछ कहानियाँ बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी हुई घटना बताने जा रहा हूँ, शायद आपके साथ भी ये घटना घटी हुई होगी, बहुत ही रोचक तथ्य घटना है भैया। सबसे पहले भैया मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है। भैया मेरा घर बिहार है, बिहार से मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो भैया और मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ ये मैं बता देता हूँ। भैया मैं इंटर पास हूँ, ये मैं पार्ट थर्ड का इस बार मैं एडमिशन कराऊँगा। भैया मैट्रिक में भी मैंने सेकेंड डिवीज़न की है और इंटर में भी मैंने सेकेंड डिवीज़न की है। तो भैया ये इंटर मैट्रिक में जो मैंने सेकेंड डिवीज़न की थी, तो पहले मैं गाँव में रहता था, तो गाँव में रहता था और सबके मतलब सुपुत्र सब बेटे सब जो थे वो अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, जो कि मेरे दोस्त लोग थे, तो मैं नहीं कर पाया। भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, पता नहीं मेरा लक साथ नहीं दिया क्यों नहीं, तो वो अच्छे अच्छे अंक से मतलब अच्छे अच्छे डिवीज़न लाए। तो उनके जो डिवीज़न लाने से तो गांव में बहुत तरह की बात उनके पिताजी लोग बोलने लगे हमारे गांव में कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये दिस दैट बहुत सारी बात बोलने लगे। तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं वहाँ से निकल गया। शायद आप लोग के साथ भी ऐसा घटना हुआ हो कि आप लोग भी घर छोड़ के जा चुके होंगे कहीं और पढ़ने लिखने के लिए, ये सब सुनकर। तो वो छोड़ के मैं यहाँ आ गया, पूर्णिया आ गया। तो इस मैं पूर्णिया में रहने लगा। तो पूर्णिया में जब मैं रहने लगा तो सोचा कि आप भाई यहाँ तो चले आए तो इस पेट के लिए भी कुछ सोचना होगा ना, तो आ जाने से थोड़ी कुछ होता है। तो फिर यार मैंने 4-5 हज़ार की 6 हज़ार की नौकरी ले ली, 5-6 हज़ार की सर मैं नौकरी ले ली। वहाँ जाता हूँ तो 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ तो भैया 5-6 हज़ार रुपया मिलता है। तो वही सोचा भैया, एक तो मेरा ना दोस्त रहा ना कोई रहा, मैं रूम पे रहता हूँ, वहाँ से ड्यूटी करके आता हूँ और अकेलापन महसूस करता हूँ। सोचा मैं किसको अपना दुख दर्द किसको सुनाऊँ, किससे बातें करूँ। तो मैंने एक ये माध्यम चुन ली यूट्यूब की, कि मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मन आपसे बात करूँ। भैया मेरे बात करने में कुछ ऐसी बातें भी बोल चुकी होंगी आपको बुरा ना लगे, क्षमा करना भाई बड़े भाई। यही सब कहानियाँ हैं भैया मेरे बारे में और बहुत सारी बातें हैं मेरे बारे में। तो ये सब भैया आप एक चीज़ बताइए भैया, ये सेकेंड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न से कुछ होता है? कुछ होता है भैया? कुछ नहीं होता है, सब भैया सब कुछ मेरिट पे होता है। आप किसी भी लाइन में जाएंगे, अभी पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें कंपटीशन होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो वही बात है भैया, इसीलिए मैंने घर छोड़ के यहाँ आ गया, तो नौकरी करने लगी तो मेरा मतलब अकेलापन महसूस होने लगा। सोचे मैं आपसे बात करूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा। तो भैया आप हमसे बात करेंगे ना भैया? ज़रूर, रोज मैं वीडियो रोज़ डालता रहूँगा और अपना प्यार देते रहिएगा भैया। आज फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा और आगे की बात मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। प्रणाम भैया, नमस्कार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिएगा भैया। जय श्री राम।